गुड आफ्टरनून ऑल माय बिलव्ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बाय माइकल मोर पुर्गो. सो दिस चैप्टर इज द वेरी बिगिनिंग. सो स्ट्रेट अवे आई विल स्टार्ट एंड बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज एवरी डे आई विल बी पुटिंग वन वीडियो for you, so you have to see the video and follow the instructions whatever I am giving to you. So today we will do the first part. Okay, I spotted it in a junk shop in Bridport. Spotted, what do you mean by spotted? Saw. Spotted ka matlab kya hota hai? Saw. I saw it in a junk shop. Junk shop mane kabadi wale kya? In Bridport place ka naam hai. A roll top desk. The man said it was early 19th सेंचुरी एंड ओक. तो रोल टॉप डेस्क यानी कि एक डेस्क. रोल टॉप डेस्क क्या होता है? जो रोल, जिसको रोल कर देते हैं ना, अपर पार्ट उसका फॉर्म्ड इनटू अ सिलेंडर विदाउट फोल्डिंग, यानी बिना फोल्ड किए उसको रोल कर देते हैं. तो ऐसा डेस्क आगे से जो रोल हो जाए. तो उसने वो देखा वहां पर, जो आईमंस लेखक ने राइटअप जो है, और इट वॉज 19th सेंचुरी का बना हुआ था और ओक का बना था. कौन से वुड का बना था? ओक का. आई हैड वॉन्टेड वन, उसको बहुत दिनों से उसकी जरूरत थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन मार्केट में जो थे वो वेरी एक्सपेंसिव थे. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, वो बहुत ही कॉस्टली थे मार्केट में. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेज, ये बैड कंडीशन में था, कई टुकड़ों में भी था. वन लेग क्लमजीली मेंडेड, इसकी एक टांग जो थी वो क्लमजिली माने बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से, बहुत ही भद्दे तरीके से मेंड की गई थी. ऑकवर्ड, ऑकवर्ड तरीके से उसको बनाया गया था. ठीक है, ठीक, मेंड माने उसको ठीक कर दिया गया था. स्कॉच मार्क्स यानी बर्न, स्कॉच माने बर्न यानी कि जले की, जले निशान. ऑल डाउन वन साइड, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, उसको बहुत कम पैसों में वो मिल रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, उसने सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर लूंगा. रीवर्ड जब भी किसी के आगे लग जाता है मतलब दोबारा, स्टोर मीन्स ठीक ठाक, उसको दोबारा वो ठीक कर लेगा. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, वो एक रिस्क था, हो सकता है वो ना भी ठीक हो, लेकिन वे उसने उसको एक चैलेंज की तरह लिया. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस के एक दिन पहले शाम को उसने इस पर काम करना शुरू करा. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, उसने उसके रोल टॉप को हटा दिया पूरी तरह से, और उसके ड्रॉर्स, उसके जो बीच में दराजे बनी हुई थी, ड्रॉर्स माने दराजे, जो स्लाइडिंग बॉक्स होते हैं ना उसको बोलते हैं, उसने उसको हटा दिया. द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वनीर क्या होता है? वनीर यानी कि खराब लकड़ी, जो के ऊपर की जो लकड़ी होती है ना, एक पतली सी परत होती है लकड़ी के ऊपर, एक पतली सी थिन लेयर ऑफ सुपीरियर काइंड, जिसको हम माइका भी बोलते हैं, प्लाईवुड भी बोलते हैं, जो लकड़ी के ऊपर चमकीली सी एक लेयर लगाई जाती है उसको बोलते हैं वनीर. ठीक है, तो वो निकल आया था. इट लुक लाइक अ वाटर डैमेज टू मी, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक क्या है, एक वाटर डैमेज है. वाटर डैमेज मतलब पानी की वजह से खराब हो गया था, जो पानी जैसे ज्यादा लकड़ी पे पड़ता है तो उसका प्लाईवुड फूल जाता है, तो वही सेम चीज थी. सो बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन देयर डेस्क, तो वाटर ने और आग ने दोनों ने ही उसको पूरी तरह से टॉल कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, खराब कर दिया था डेस्क को. द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, और जो लास्ट ड्रॉअर थी वो वॉज स्टक फास्ट. स्टक फास्ट माने शट टाइट, यानी कि बहुत उसको बहुत ज्यादा टाइट तरीके से बंद थी, मतलब किसी चीज में फंसी हुई थी. शट टाइट, शट टाइट, ठीक है, स्टक फास्ट माने, यानी कि वो दिख रहे हैं अब ये जो दराज है, ये बने हुए खाने, और इसमें जो तीसरा खाना है वो खुल नहीं रहा था, बहुत फंसा हुआ था. आई ट्राइड ऑल आई कुड डू टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की उसको ईजिली निकालने की. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और आखिरी में उसको पूरी ब्रूट फोर्स, ब्रूट निर्दयता से, रूड, रूड होकर, बिल्कुल रूड तरीके से उसको, RUDE, रूड, उसको रूड तरीके से उसको खींच के मार निकालना. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, फिस्ट माने घुसा, उसने अपने घूसे से उसको खूब जोर से मारा और उसको फिर खोला. द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, उसने देखा कि उसके अंदर शैलो माने थोड़ी सी जगह थी, स्पेस थी अंडरनीथ, अ सीक्रेट ड्रॉअर. देयर वॉज समथिंग इन देयर. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल
ब्लैक टिन बॉक्स। उसने जब उसको खींच के बाहर निकाला तो उसके अंदर एक ब्लैक टिन का बॉक्स है, आप देख सकते हैं ये ब्लैक टिन का बॉक्स था उसके अंदर। तो देयर वाज समथिंग इन इट, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, सेलो टेप ऑन टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, उसके ऊपर एक सेलो टेप से एक नोट लगा हुआ था, नोट पेपर लगा हुआ था, एंड रिटर्न एट इट शेकी हैंड राइटिंग, और किसी ने कांपते हाथों से वो नोट लिखा था, यानी कोई ऐसा नोट लिखकर उस पर टेप से चिपका रखा था और उसके ऊपर कुछ कांपते हाथों से कुछ लिखा गया था। क्या लिखा गया था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, टू बी बरीड विथ मी वेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा तो मेरे संग इसको बरी कर दिया जाए, मेरे संग गाड़ दिया जाए। आई न्यू एज आई डेड इट वॉज दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, उसे पता था कि उसको गलत बात है, किसी और की चीज को हमें नहीं खोलना चाहिए, स्पेशली लेटर्स वगैरह को, लेकिन बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, यानी क्यूरियोसिटी माने जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, इनक्यूजिटिव, इन क्यू जी टिवनेस, इनक्यूजिटिवनेस यानी जिज्ञासा, कौतूहल उसमें ज्यादा था। स्क्रूपलस माने नैतिक विचार, स्क्रूपलस माने क्या होता है, नैतिक विचार, फीलिंग्स, लेकिन उसकी फीलिंग्स ने उसे, उसको जो उसकी फीलिंग्स उसको हेजिटेट कर रही थी, उसकी फीलिंग्स देवर हेजिटेटिंग हिम, वो उसको हेजिटेट कर रही थी, एच ई एस आई टी ए टी ई, फीलिंग्स उसको हेजिटेट कर रही थी कि उसको ये दराज नहीं खोलना, ये लेटर नहीं खोलना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि क्यूरियोसिटी वश हम वो काम भी कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, अब उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, द एड्रेस, उसके ऊपर क्या पता लिखा था, मिसेस जेम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट डॉरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डिटेल्ड एट द टॉप एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1940। तो उसने उस लेटर में लिख रहा, उसके ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ था, डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914, यानी ये पत्र 26 दिसंबर 1914 का था, और किसके नाम था ये, मिसेस जिम मैकपर्सन के नाम था। तो जो अपने अभी तक फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा कि ये राइटर है, ये वहाँ जाता है, इसको एक डेस्क की ज़रूरत होती है, वो एक जली हुई भीगी हुई डेस्क खरीद लाता है जो ख़राब होती है, और जब वो डेस्क को अपने घर में ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इतना अमीर नहीं है कि नई डेस्क खरीद सके, इसलिए वो पुरानी डेस्क लाता है, और उसमें उसको ये एक दराज के अंदर ये